भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की बैठक आयोजन जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में सूर्य होटल में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद नागर ने भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ प्रीति नीतियों के विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। जनपद मुरादाबाद से अध्यक्ष मनोज कुमार चौहान, जनपद रामपुर से अरुण कुमार एडवोकेट, जनपद अमरोहा से सतपाल सिंह चौहान भोला पहलवान प्रधान जी तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर से भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के सचिव राजवीर सिंह चौहान, दिलीप रस्तोगी जी, मृत्युंजय पांडे, अमित कुमार चौहान, अतुल दुबे उत्तर प्रदेश से जनपद कुशीनगर से पधारे डॉक्टर अभी आलम, धर्मेंद्र उपाध्याय जी का जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर विनोद नागर ने समाज में सभी वर्गों को लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यह संगठन संपूर्ण भारतवर्ष के सभी जिलों में घर घर तक पहुंचकर एक नई क्रांति लाकर राष्ट्रहित में अहम कदम बढ़ाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के लगभग जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। 15 लाख रुपए जुर्माना और उनका विच्छेद करा दिया। उनके पिताजी बड़े परेशान, वो परेशान होकर के मेरे पास यूनिवर्सिटी पहुंचे तो मैंने कहा बाबूजी क्यों परेशान हो रहे हो, बोले इस प्रकार से बात है, बेटी ने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं कराऊंगी, मैं बड़ा परेशान हूँ, 15 लाख रुपया हमारा अदालत में कोर्ट में केस चला है, उसका फैसला हो गया है, अब लड़की भी परेशान है, वो मानसिक संतुलन को बैठी है। तो मैंने सेक्टर 39 महिला थाना अध्यक्ष को फोन किया और उनसे कहा कि आप वहां जाओ, उनको थाने मत बुलाओ, उनकी काउंसलिंग करिए और यदि आप नहीं कर सकती हैं तो मैं कमिश्नर साहब से बोलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं जाती हूँ लेकिन मैं इस संडे नहीं, नेक्स्ट वीक जाती हूँ और इस समस्या का मैं समाधान करके ही वापस लौटूंगी, मैं आपसे वायदा करता हूँ। मैंने कहा हे मातृशक्ति, मैं आपका वंदन करता हूँ, आप एक पुलिस अधिकारी होते हुए एक समस्या का समाधान करने, पुलिस का एक सिपाही जो घटना स्थल पर न्याय दे सकता है वो न्यायाधीश नहीं दे सकता। तो वो बेचारी गई अपने साथ काउंसलिंग के लिए विवेकशील और पुलिस अधिकारियों को लेकर के गई, उन्होंने बात की, उस बेटी का काउंसलिंग किया, उसको समझाया। कई सज्जन ऐसे भी होंगे जिन्होंने और जिनके माध्यम से बच्चे आज पढ़ रहे हैं, तमाम चाहे कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड का बालक हो, सीबीएसई बोर्ड का बालक हो, यूपी बोर्ड का बालक हो, हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जिसमें ट्रेंड टीचर, कौशल अध्यापक आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से लगभग 10 से 15 हजार विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है, वो किसी भी बोर्ड का अच्छा है। WCPA के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तो आज भारत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो संस्था है, ये अदालत की जिम्मेदारी लेती है, पुलिस की जिम्मेदारी लेती है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है और शिक्षा की जिम्मेदारी लेती है। प्रत्येक सामान्य से सामान्य नागरिक को ये सुविधाएं आज हम दे रहे हैं। मैं मन से नहीं कह रहा, ये प्रमाणिक बात मैं कह रहा हूं। यहां पर कुछ लोग होंगे जो ये सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ अन्य समस्याएं रोजमर्रा के जीवन में आती रहती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए आए दिन हम फोन करते रहते हैं। सतपाल सिंह चौहान साहब यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ऐसे समस्याएं आई जो मुझे नहीं जानते, लेकिन उन समस्याओं का हमने समाधान कराया। एक बार हम और चौहान साहब दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में एक महिला का फोन आता है कि एक नेताजी ने मेरे बच्चे पर आरोप लगाया है और
और जबकि चाकू उसी ने मेरे बेटे को मारा है। तो मैंने कहा, चौहान साहब, ये तो आपके जिले से कौन है, क्या करें? उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं बात करता हूँ कोतवाल से। पूछा, एसएचओ से कहा, और समस्या का समाधान। दूसरा, कोविड 19